सुहेल दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका कोच पोजीशन कौन सा है और कहाँ पे आपका कोच पोजीशन है। तो मिनट मात्र तो 2 मिनट अपने मोबाइल से अपना कोच पोजीशन कैसे जानना है। दोस्तों, कोच पोजीशन जानने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो होता है वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता और इधर से उधर नहीं भागना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन का डब्बा बहुत बड़ा रहता है, यहाँ से बहुत लंबा रहता है दोस्तों। तो आपको पता ही नहीं रहता कि आपका जो है जो कोच कौन सा है, कौन सा डब्बा आपका है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास S1 है, S1 का 6 नंबर आपका सीट है, या हो सकता है D1 हो गया, D2 है, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपका कोई भी कोच पोजीशन हो और उसको आपको पता करना है, तो आप लोग जाते होंगे स्टेशन पे और उसके बाद आपको खोजना पड़ता होगा कि यहाँ पहले आगे गए फिर पीछे गए, उसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताना, मात्र 2 मिनट में आपको गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 मिनट में ही आप अपना कोच पोजीशन जान जाएंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कोच पोजीशन 2 तरीके से आप जान सकते हैं। एक तो होता है आपका जो होता है वहाँ पे इंडिकेटर दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन पे जहाँ पे कोच पोजीशन लिखा होता है, S1 S2 D1 D2 सारा चीज़ यहाँ पे दर्शाया जाता है दोस्तों। लेकिन वो भी आपका जो होता है रियल नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो आप उसको एक वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अपने मोबाइल से देख सकते हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने मोबाइल से कैसे देखना है कि आपका कोच पोजीशन कैसा है। सो दोस्तों, जैसा कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी आपको बताता हूँ कि कैसे कोच पोजीशन जाना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपका ट्रेन दिखेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे ये बोगी नंबर यहाँ पे दे रहा होगा दोस्तों। जैसे कि मैं देख सकते हैं HA1 लिखा हुआ है। सो इसी तरह से आपका जो होता है यहाँ पर बोगी नंबर सब में लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहता है और आप, या आपके पास बहुत सारा ज़्यादा सामान रहता है दोस्तों और नहीं चाहते कि आप इधर से उधर ज़्यादा ये करना, तो आपको अपने मोबाइल से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका कोच पोजीशन जानना है कि आपका जो है कोच है, जो भी आपका डब्बा है वो आगे है इंजन की तरफ है या इंजन से पीछे है दोस्तों, और कहाँ पे है एक्यूरेट आपका लोकेशन, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको 2 तरीके से जान सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो होता है प्लेटफॉर्म लोकेटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा होगा आपको प्लेटफॉर्म 1 लिखा हुआ, PF1 लिखा हुआ। तो दोस्तों, जब भी आपका ट्रेन आएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लोकेशन में यहाँ पर आपको ये S1 S2 S3 जहाँ पे भी होगा ऐसा करके आपको लिखा हुआ D1 D2 मतलब पूरा बोगी संख्या लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो इसकी मदद से आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका कहाँ पे कोच पोजीशन है, आपका बोगी संख्या कहाँ पे है आप। और हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, तो इसको देख लीजिए दोस्तों। और ये तो हो गया आपका जो हो गया वहाँ से आपका जो होगा स्टेशन से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है आपको अपने मोबाइल से चेक करना, तो मोबाइल से चेक करने के लिए मैं आपको बताया दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका टिकट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टिकट होगा आपका। ऑनलाइन टिकट होगा तो कुछ अलग होगा और ऑफलाइन होगा तो इसी तरह से आपका टिकट होगा दोस्तों। और वहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर बोगी संख्या दिया होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा A1 इसमें दे रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 लिखा हुआ, तो A1 में है ये, हो सकता है आपका S1 है या कुछ भी हो सकता है आपका उसको। चलिए दोस्तों, आप बताते हैं आपको कैसे उसको ट्रैक करना है कि आपका कहाँ पे है। तो सिंपली आना है दोस्तों प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है दोस्तों। मैं आपको बताया, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आना है और लिखना है वेयर इज माई ट्रेन। बहुत अच्छा एप्लीकेशन दोस्तों, लिखना है वेयर इज माई ट्रेन, लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, वेयर इज माई ट्रेन लिख के सर्च किया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे वेयर इज माई ट्रेन का एप्लीकेशन आ जाएगा। इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, तो इसको आप देख लीजिए दोस्तों। इसकी मैं आपको रेटिंग की बात बता दूँ, आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रेटिंग काफ़ी अच्छा है, 4.4 की रेटिंग है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपको लाइव सब कुछ दिखाई देगा, आपका ट्रेन कहाँ पर है और क्या रफ्तार में चल रहा है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर शो करेगा दोस्तों। तो इसको सिंपली आपको ओपन करना है दोस्तों। पहली बार ओपन करेंगे तो आपको अलाउ और परमिशन करके आपको सारा कुछ ये कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोई भी ट्रेन है, आपका अपना ट्रेन नंबर यहाँ पर डालना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना ट्रेन नंबर डालना है, आपका जो भी ट्रेन नंबर होगा इस पर डालना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर अपना डालना है दोस्तों, नहीं तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको टू और फ्रॉम और टू करके आप यहां पर सर्च कर सकते हो, तो आपको अपना ट्रेन नंबर दिख जाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको यहां पर सर्च करके दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं मैं सर्च किया, और यहां पर आपको जो भी ट्रेन होगा आप यहां पर अपना ट्रेन नंबर देख सकते हैं कौन सा ट्रेन है, और उसको आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ से आपका जो है आपको यहाँ पर ट्रेन नंबर डाल के दोस्तों चेक करना। चलिए मैं ट्रेन नंबर यहाँ पर डाल कर देखता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं 12791 ट्रेन नंबर डाल के देखता हूँ। जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये डाल रहा हूँ दोस्तों, ये है दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर देख सकता हूँ।
दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा लोकेशन दिखाई देगा कि आपका ये जो ट्रेन अभी से कहाँ है, मतलब सारा चीज़ लाइव लोकेशन दिखाता है। और आपको ट्रेन का कोच पोजीशन देखना है दोस्तों कि आपका पोजीशन कहाँ पे है। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये एक सीट टाइप का हो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप एक सीट टाइप का बैठा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रहा होगा दोस्तों D1 S1 S2 S3 S4 ऐसे करके आपको दे रहा होगा दोस्तों। सो आपको इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि आपका कोच पोजीशन कहाँ पे है और किधर में है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास आपका D2 बोगी है, तो D2 बोगी कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि D2 कहाँ पे, इसमें कहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें आपको तो देख सकते हैं यहाँ पे D2 आप इंजन के पीछे सबसे पीछे वाले बोगी आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों D2 में शो कर रहा है, या आपका A1 जैसे कि मैं अभी टिकट दिखाया था उसमें A1 था, तो A1 भी सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ट्रेन देखना है कि ट्रेन जहाँ पे खड़ा है तो आपका इंजन तो पता नहीं चलेगा दोस्तों, कि बहुत बड़ा इंजन रहता है तो आपको पता नहीं चलेगा किधर में इंजन है किधर में ये है। अगर आप बीच में आते हैं दोस्तों, तो बीच में आते हैं तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे आए B3 में आए दोस्तों, तो B3 के बाद आपको देखना है दोस्तों अगर B2 आगे में है तो आगे में इंजन होगा, और B5 मतलब इसके यहाँ कहीं पे भी दोस्तों आप खड़ा होंगे, जहाँ पे भी आपको खड़ा होगा जो भी आपको बोगी नंबर दिखाई देगा वहाँ पे आपको बोगी नंबर में जाना है। जैसे कि मान लीजिए इस ट्रेन के पास आप खड़ा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो A1 बोगी खोलना है। तो A1 बोगी क्या है, तो A1 आप देख सकते हैं कि S1 इस ट्रेन से इधर में इस साइड में है, तो आपको उसी से आपको जो है वो वहाँ से दो बोगी देख लेना है, एक बोगी इधर देख लेना है, एक इस साइड बोगी मतलब राइट लेफ्ट दोनों तरफ बोगी देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किधर में आपको जाना है दोस्तों। तो दोस्तों आप मात्र 2 मिनट में आप अपना बोगी संख्या देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए A1 में आप आ गए, उसके बाद आपका सीट नंबर क्या है, तो सीट नंबर जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए 6 नंबर आपका सीट है, तो 6 नंबर में आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर बोगी भी आपको दिखाई दे दिया, और यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कहाँ पे आपका बोगी है, अपर में है लोअर में है या कहाँ पे है, सारा चीज़ आपको शो कर देगा दोस्तों। और आपको दोस्तों अगर ये चेक करना है दोस्तों कि अगर स्टेशन पे आप खड़ा है, तो वहाँ पे स्टेशन नेम दोनों तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करना दोस्तों आपको जो भी ट्रेन आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेन आ गया लिस्ट में, जिसको भी चेक करना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, सिंपली वहीं पर जाना है दोस्तों, यहाँ पर जाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद वही चीज़ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको बोगी संख्या यहाँ पर आपका दिखाई दे देगा दोस्तों, आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।